आप देख रहे हैं CIT News। जब भी कोई साहिल किसी से मांगता है तो दो तरीके होते हैं। कुछ साहिल ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं करते, सीधा आके हाथ पे ला देते हैं। एक तो साहिल ये हैं, और साहिल मांगने वाले जो बड़े अच्छे तरीके से मांगने का भी फन जानते हैं, तो उनका तरीका ये नहीं होता कि किसी के आगे जाके बस हाथ फैला दे। पहले वो उसकी तारीफें करते हैं, फिर जो है वो उसकी रहम दिली का जिक्र करते हैं, फिर उसके मालो असबाब जो उसको दिए गए हैं उनके कसीदे पढ़ते हैं, फिर अपनी वफादारी का इजहार करते हैं, फिर झोली फैलाते हैं। तो ये दूसरा और महज़ब तरीका है। एक तो मांगने वाला अपनी ज़रूरत को यूं ही किसी के सामने रख दे, और एक ये है कि मांगने वाला अपनी ज़रूरत को रखने से कबल जिससे मांग रहा है पहले उसकी तारीफ़ करे। अब बंदे अल्लाह से हिदायत मांगने के लिए खड़े हुए, पहले तो वज़ू किया, साफ़ सुथरे हुए, कानों पे हाथ लगाए, उसके बाद हाथ बांध के अदब से खड़े हो गए, और अब मांगने लगे हैं तो क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आते हैं ना मांगने वाले दरवाजे पे, तो कहते हैं दोबारा वसदा रवे, फलां हो फलां हो, वो तारीफ़ें करने लग जाते हैं। तो ये मरहला होता है। अभी उसने सवाल लब पे नहीं लाया होता तो घर वाला पहले बच्चे को कहता है, जा इतने पैसे उसको दे के आ। मियाँ वो तो आपकी तारीफ़ें कर रहा है, मांग थोड़ा रहा है, वो समझता है जो तारीफ़ें करना शुरू हो गया ये मांगने के लिए तो कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है रहमतें उसी वक्त बरसना शुरू हो जाती हैं। अर्रहमान रहीम, मैं सखी की दहलीज पे खड़ा हूँ जो रहमान भी है जो रहीम भी है, महज अपने कर्म से अता करता है, रहम की भीख मांग रहा हूँ। फिर क्या कह रहा है? मालिक यौमिद्दीन, किसी कंगाल से नहीं मांग रहा, उससे मांग रहा हूँ जो मालिक है, दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है। फिर उसके बाद अगली बात क्या कहता है? इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, मालिक मैं पूछता भी तुझे हूँ और मांगता भी तुझसे हूँ। देखो साहिल इस एतबार से भी दो तरह के होते हैं। एक साहिल होता है जो बाईपास पे उतरता है, एक के घर के सामने जाता है, यही तरीका सही मांगने का, लेकिन जाता है एक के घर के सामने, तारीफें करता है, और मालिक के खाना को पता होता है कि ये हमसाया से भी मांग के आया है, मेरे घर से भी मांग रहा है, अगले घर से भी मांगना है, तो वो उसे थोड़ा सा आटा दे देता है, एक रुपया दे देता है, उसको पता है इसने पूरा गांव मांगना है, आधा गांव मांग आया है, आधा गांव इसने अभी मांगना है, तो सारे एक एक रुपये देते हैं। एक तो साहिल वो है जो दर दर पर जाता है, और एक साहिल बाईपास से उतरा, वहाँ से पुल उबूर किया, फिर गली से गुजरते हुए यहाँ आया, और यहाँ आके आपके साथ उसने कहा कि मैं किसी दर पे नहीं गया, आपके पास आया हूँ, अब आपने मेरी ज़रूरत पूरी करनी है, तो फिर आठ आने पाँच रुपए तो नहीं दिए जाएंगे, फिर तो जो मेरी इस्तेतात होगी, जो आपकी इस्तेतात होगी, उस इस्तेतात के मुताबिक देंगे कि ये सारा शहर छोड़ के आया है, ये किसी से नहीं मांगता, ये मुझसे ही मांगता है, तो फिर आप उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे अगर आपके बस में हुआ तो। मांगने वाला क्या कह रहा है? इया का नाबुदो, ये पेशानी कहीं और नहीं झुकती, व इया का नस्ताइन, ये झोली किसी और चौखट पे फैलती नहीं, वो करीम वो मालिक रब जो तमाम जहानों का रब है, मैं उसकी दहलीज पे खड़ा हूँ और आया सीधा उसी की दहलीज पे हूँ, ना इससे पहले किसी दर पे गया हूँ ना इसके बाद किसी दर पे जाना है, तो फिर मालिक भी करम नवाजियाँ और रहमतें उसकी झोली में डाल देता है। अब इतनी लंबी तमहीद बांधने के बावजूद मांगा क्या? ज़रा गौर कीजिए, ये वो है जो हम हर रोज हर नमाज की हर रकत में मांगते हैं, और मांगने का तरीका कितना खूबसूरत है, और मांगने वाले यूं ही मांगा करते हैं, पहले जिससे मांगना उसकी तारीफें करते हैं। आपने मांगने वालों को देखा हो जो सलीके से मांगते हैं, तेरे बच्चे वसदे रहें, तेरी जद आबाद रहे, तेरा खानदान आबाद रहे, वो मांगते हैं इस तरह, पहले तारीफें करते हैं, फिर कहते हैं तेरी फैक्ट्रियाँ चलती रहें, तेरे जो है तेरी जायदाद बढ़ती रहे, तो वो उसके खजानों का जिक्र करते हैं, और फिर कहते हैं कि ये फकीर नमाना तेरी चौखट पे आया है, इसकी जरूरतें तू पूरी कर दे।
अब बंदा भी अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होता है तो मांगने का सलीका क्या है, सबसे पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं किसी कंगाल की चौखट पे नहीं आया, तमाम जहानों के पालनहार की चौखट पे आया हूँ। उसी की तारीफें, इख्तियारी भी गैर इख्तियारी भी, वास्ते के साथ भी बिला वास्ते के साथ भी, उसी की खूबी हैं, सारे उसी के कमाल हैं, वस्फ सारे उसी के हैं। फिर उसके बाद कहता है रहमान रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी है। फिर उसके बाद कहता है मालिक यौमिद्दीन, वो दुनिया का ही मालिक नहीं आखिरत का भी मालिक है, यौम हिसाब का भी मालिक है। फिर उसके बाद अपनी वफादारी जो तलाते हुए कहता है इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन, मालिक सारा जहां बस रहा है, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने झोली तेरी चौखट पे फैलाई है, मेरी पेशानी तेरे हुजूर झुकती है, ये पेशानी किसी और के हुजूर कभी नहीं झुकी ना झुकेगी। ये सब अर्ज करने के बाद फिर मांगता क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे सीधी राह पे चला दे, मैं तेरे हुजूर आया हूँ, मुझे हिदायत का नूर अता कर दे। इंशाल्लाह ये हिदायत क्या है और हिदायत की किस्में क्या हैं और फिर इस दुआ का जवाब अल्लाह की तरफ से क्या आता है और बंदे पे कितनी करम नवाजियाँ होती हैं, इंशाल्लाह ये मज़मून कल होगा। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के साए में रखे।